अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुरैया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज लाहौर में एक न्यूट्रिशन मीटअप थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है और जो जिस दरकार में न्यूट्रिशन निकल है क्या मार्केट में उनकी डिमांड भी है। तो आज उस जो न्यूट्रिशन मीटअप थी उसके बाद हम उनसे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का व्यूज़ ले रहे हैं कि उनका क्या व्यूज़ है, न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है और न्यूट्रिशन में वो कैसे आई वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। तो बारी बारी सबसे हम आज का जो सेमिनार था उसके बारे में और मैं रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। तो ये कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि जो है कोविड की वजह से एक बहुत ही मेजर सेटबैक था हमारी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जॉब्स जो हैं वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं और उसके अलावा कोविड की वजह से भी वो काफ़ी जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इस बात से एंड दे डिडंट नो कि वो किस तरह से उसको आगे लेके चले। डॉक्टर तसीम साहब ने जो है ये इनिशिएटिव लिया, जो हमारे रीसेंट ग्रेजुएट्स थे उनका एक मीटअप प्लान किया ताकि हम आपस में एक तरह से मीट और ग्रीट कर सकें और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर रियाज साहब हैं, डॉक्टर नूरजमान रफीक, डॉक्टर इरफान सुलेहिया, उनसे हमारी मुलाकात कराई ताकि हम जान सकें कि वो इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर रहे हैं और हम जो है किस तरह से इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं फॉलोइंग देयर स्टेप्स। बेसिकली आज का जो सेमिनार था ना हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारा स्पेसिफिकली जो उसका टॉपिक था ना आज के सेमिनार का वो था स्पेसिफिकेशन पे। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं, काफ़ी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, क्लिनिकल को भी देख लेते हैं। हमारी डिग्री का क्राइटेरिया भी होता है कि हम लोगों ने क्लिनिकल साइड पर इंटर्नशिप करनी होती है मोस्टली ये हमारी हिस्सा होता है। लेकिन हमें दूसरी फील्ड का नहीं पता होता कि न्यूट्रिशन का और कौन सी फील्ड का और किस चीज़ में हम आगे जा सकते हैं। तो आज जो इन्होंने बताया कि हमारे जो हमारे डॉक्टर तो सीख आपने किया, हमारे सर फांसलेरिया ने किया, ये बहुत अच्छा सेमिनार रहा। हम भी आगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को लेके चलेंगे आगे। तो अगर आप भी इसमें न्यूट्रिशन में हैं या आप आना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है ये आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, सर तो फांसलेरिया, सर तो सीख हैं। तो आज का जो सेमिनार था उसका भी बेसिक पर्पज यही था कि हमें नॉलेज दिया जाए, हमें पता लगे कि हम आगे किस तरह पढ़ सकते हैं, हमें आगे पढ़ने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या स्टडी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हमें बताया गया, वो हमें सिखाया गया। इसी तरह आपके लिए भी चांस पड़ सकता है आप सीखें, उस चीज़ को लर्न करें, उसी से आगाह हो कि किस तरह है, क्या है, क्यों है, कैसे है और करना कैसे है। इसके लिए हमारी बेसिक असेसमेंट बहुत चांस में होती है कि हम किस चीज़ में कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं ताकि हम किस चीज़ में आगे जाएँ। ऐसा नहीं होता कि बस हम घर बैठे बैठे करते रहें कि यार हम इसमें बेहतर हैं या हम ये हम वो हैं खाना हमने ये डिग्री कर ली तो हम वो हो गए हैं, नहीं ये सब कुछ करने से आता है। ये आप करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठे बैठे करें। तो आप आज बेसिक पर्पज भी यही था कि हम निकलें, हम सीखें, हम लर्न करें, हम उस चीज़ को लेके चलें ताकि सिर्फ हमारे लिए ही ना चांस बढ़े दूसरों के लिए भी चांस बढ़े। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें चांस दिया कि हम लोग इतनी अच्छी सी चीज़ के साथ बैठ के बात कर सकें, सीख सकें, कुछ समझ सकें और बन सकें। थैंक यू सो मच सर। सर कोई बात सर को सर टुडे सेशन ऐसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो पहले बहुत ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं लेकिन कोविड की वजह से जैसे वो बता रहे हैं काफ़ी मतलब 2-3 साल से कोई भी सेमिनार नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव था। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे डाइटिशन डॉक्टर्स हजरात भी आए थे जिन्होंने आकर हमें इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड जो कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि बेसिकली हमारा ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन था, स्पोर्ट्स में हम किस तरह मतलब डाइट को यूज़ कर सकते हैं, डाइट का स्पोर्ट्स में क्या रोल होता है, क्योंकि एक रेगुलर डाइट होती है जो कि हम स्पोर्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्पोर्ट्स में जो टेक होता है डाइट का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसमें जो गिवअप होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसी टॉपिक में हमें बताया गया था। तो इसी रिलेटेड उन्होंने हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है। तो आज का सेशन जो कि सर तसीम इकबाल साहब ने अरेंज किया है और डॉक्टर सुलेहिया साहब, इरफान सुलेहिया साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छा माशाल्लाह सारा हैंडल किया है मुकम्मल। हम इन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरह बाकी भी तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। कि मैं बताया मजीद भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव इवेंट्स होते रहेंगे
ताकि हमें मज़ीद फ्यूचर में हेल्प मिल सके कि हम अपनी फील्ड से रिलेटेड जान सके और आगे भी हम इसे ग्रो अप कर सके कि हमारा जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारी जो फील्ड है कितनी वास्ट है, हम इंडस्ट्रियल एरिया में किस किस जगह पर हम ट्राई कर सकते हैं, कहाँ पर हम अपना स्टैंड अप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनके व्यूज़ लिए अबाउट दिस सेमिनार या न्यूट्रिशन मीटअप, जिन्होंने हमारे लास्ट न्यूट्रिशन के जो फ्यूचर कमिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सर के फ्यूचर में भी प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं बिल्कुल इससे बात करता हूँ कि इस तरह की मीटिंग असल में आपकी जो डिग्री होती है ना, आपने बस एक समझे कि आपने रेलवे की या डायबो की या आपने किसी भी एयरलाइन की टिकट की, अब आगे जाके आपने उसको यूज़ कैसे करना है वो इस तरह के सेमिनार होते हैं जिसको आप कोई भी आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं कोई भी चीज़ आप बना लेंगे उसको गार्निश अच्छे तरीके से करेंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह के जो सेमिनार होते हैं वर्कशॉप होती हैं प्रॉब्लम है ये आपकी डिग्री को फर्दर इन्हांस करती है गार्निश करती है। तो इंशाल्लाह कोविड से पहले मैं ये कहता था कोविड का पीरियड आया उसमें तमाम होने की पॉलिसी जो थी वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुई, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरे टीम और दूसरे जो न्यूट्रिशन सोसाइटी हैं वो भी इस तरह के अगर सेमिनार करते रहेंगे तो अवेयरनेस आएगी, जितनी अवेयरनेस आएगी फिर ही जाके आगे जो है हमारा प्रोफेशन ग्रोथ कर सकते हो। खासकर लाहौर जिसको मैं एक बात बताता चलूँ कि लाहौर एक ऐसा सिटी है बरसीन का कि जहाँ पे कोई भी तरीके यहाँ से सक्सेसफुल हो गई है तो पूरे बरसीन में सक्सेसफुल हो गई है। इसकी मिसाल पाकिस्तान में है जो कि 1940 में मिंटो पार्क में मंजूर हुई थी, कुछ 7 साल के समय एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से एक दुनिया पे मुल्क उभरा। तो अगर ये न्यूट्रिशन की मूवमेंट अगर मैं समझता हूँ कि लाहौर में सक्सेसफुल होगी तो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल होगी, पूरे पाकिस्तान में सक्सेसफुल होगी और लोगों को पता चलेगा कि डाइट और न्यूट्रिशन की क्या है। थैंक यू।